जो अच्छा जो हथा तुम्हें डाला चूना बना काटना ना डिब्बा ना उतर भी और भी कटती ना दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि एक मक्खी है जो वो अपने बॉक्स से निकलकर यहाँ पर आकर बैठ गई है। तो आज उस मक्खी को मैंने इस बॉक्स में उतारा हुआ है। तो ये उतारने के टाइम में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, तो मैं आज बताता हूँ कि आज ये जाली पर बैठी थी, इसलिए मैंने ग्लव्स पहना और हाथों से मैंने निकालूंगा, इसे निकाला भी हूँ हाथों से। कुछ मक्खियाँ निकाली भी है, कुछ मक्खियाँ उस पर बैठी भी हैं। तो आज पूरी मक्खियाँ मैं इसमें लेकर आऊँगा। ये मक्खियाँ क्यों भाग गई हैं वो मैं बताऊँगा आप सभी को। इसलिए वो भागी उसमें से कि उसमें एक बॉक्स में जो जिसमें से भागी है उसमें डबल रानी हो गई थी, मक्खी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसमें रानी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। डबल रानी हो गई, डबल रानी होने की वजह से एक जो रानी पुरानी वाली थी वो निकल कर भाग गई भागी है। तो यहाँ आकर छत्ते लगा लिया, अब इस बॉक्स में आकर बैठी हुई है, बैठने और इस मच्छरदानी के ऊपर बैठी हुई है। ये मच्छरदानी मैं आधी मक्खियाँ उतार लिया हूँ, आधी मक्खियाँ अभी बची हुई है, वो तो मैं पूरी उतार कर आप सभी को दिखाता हूँ। इधर आ जाए, ये आप देख सकते हैं इसी पर पूरी मक्खियाँ आकर बैठ चुकी थी, बैठी थी इस पर नहीं बैठी थी, ये डाल पर बैठी थी। डाल पर बैठे थे वजह से छत्ता बड़ा हो गया, ये डाल लटक के इस पर आई और इस पर मच्छरदानी पर पूरा बैठ गई है। तो मैंने अब रानी को उठाकर इसमें डाल दिया है, तो इसमें रानी की महक से सब इसमें आकर बैठ जाएंगी। तो अब मैं इस जो मक्खी है इसको उड़ा दूँगा ताकि वो बॉक्स के अंदर जाकर बैठ जाए। इस तरह से मैंने पूरे बॉक्स जो पूरा है धीरे धीरे मक्खियां करके बॉक्स में रख दी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों, बी कीपिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके ज़रूर पूछें सवाल, मैं ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पूरी मक्खियों का मैंने उड़ा दिया हुआ है और कुछ मक्खियां उड़ भी रही हैं और कुछ मक्खियां इसमें भी आ चुकी हैं। मैं इनको खुली जगह पर रख दूंगा, खुली जगह पर रख देता हूँ ताकि सारी मक्खियाँ इसी में आकर रुक जाएँ।